हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम केमिस्ट्री का वेटेज वाइज चैप्टर की लिस्ट लेके आएंगे कि बीसीसी एग्जाम के लिए आपको सबसे पहले किन चैप्टर्स को पहले पढ़ना है और किन चैप्टर्स को बाद में पढ़ना है। तो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीसीसी की एनालिसिस करके और फिर हमने लिस्ट तैयार किया जिनमें किन चैप्टर को पहले पढ़ना है वो डिस्कस करते हैं। तो आइए, सबसे पहले आपको पढ़ना है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को हिंदी में साम्यवस्था कहते हैं। तो इनमें जिस टॉपिक से सवाल पूछा जाता है वो सवाल होते हैं रिलेशन बिटवीन केपी एंड पीसी, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी से सवाल पूछे जाएंगे, ऑस्टवर्ड डायरेक्शन लॉ से सवाल पूछा जाता है, पीके पीके बी पीएच पीओएस से सवाल पूछा जाता है, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट इससे सवाल पूछे जाते हैं कि वी का एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, इसके हाइड्रोलाइसिस सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद आते हैं सेकेंड चैप्टर जिसको इसके बाद आपको करना है, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक, ठीक है, कार्बनिक रसायन। तो इस चैप्टर में जो टॉपिक सवाल पूछे जाते हैं वो है इंडक्टिव इफेक्ट, एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन और ब्रेड फ्रूट। इन टॉपिक से सवाल पूछा। नेक्स्ट चैप्टर जो हमें करना है वो है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में जिन टॉपिक सवाल पूछे जाएंगे वो है कार्बन के फिजिकल फॉर्म के बारे में, कि जैसे कि कार्बन वन टू कार्बन फॉर्म, कार्बन वन टू कार्बन फोर का फिजिकल स्टेट क्या होता है, कार्बन फाइव टू कार्बन सिक्सटीन का फिजिकल स्टेट क्या होता है, जो कि एनसीईआरटी में दी हुई है, तो वो आपको उनके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद जिन टॉपिक सवाल पूछा जाएगा वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, ठीक है, ऑक्सीडेशन के बारे में, ठीक है, कैटलिटिक प्रॉपर्टी, ठीक है, कैटलिटिक प्रॉपर्टी से सवाल आते हैं, मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन इनसे सवाल आते हैं, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल से भी सवाल आते हैं, ठीक है, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन से भी सवाल आते हैं। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी, इससे जिन टॉपिक इस चैप्टर से जिन टॉपिक सवाल आते हैं वो है वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है, वर्क डन ऑन और वर्क डन बाय डिफरेंट प्रोसेसेस आइसोथर्मल, एडियाबेटिक और इन सब से, ठीक है, और डिफरेंट प्रोसेसेस के वर्क डन के फॉर्मूला उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ से सवाल आता है, ठीक है, जो कि डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, इससे सवाल पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद एंथैल्पी इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, इससे सवाल आते हैं। सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, सीबी का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी सीबी में रिलेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कांस्टेंट लॉ ऑफ समेशन, इनसे सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद एंथैल्पी चेंज से सवाल पूछे जाते हैं, एंट्रोपी से सवाल पूछे जाते हैं, एंथैल्पी एंट्रोपी के बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। उसके बाद इक्विलिब्रियम में गिब्स फ्री एनर्जी के फॉर्मूले से टेम्परेचर पूछ देगा, क्योंकि डेल्टा जी इक्वल टू एच माइनस पी डेल्टा एस होता है, तो इक्विलिब्रियम में जी अगर जीरो हो जाएगा तो टेम्परेचर क्या होगा बताइए, ये पूछ देगा, तो इनसे भी सवाल आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का वर्गीकरण। इस चैप्टर से जिन टॉपिक सवाल पूछे जाते हैं वो है आपको ग्रुप नंबर सारे पता होना चाहिए, उसमें कौन से एटम है नहीं है वो सब पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर सारा याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन लिखना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद एटॉमिक रेडियस से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एटॉमिक रेडियस पर पोटेंशियल कंपैरिजन से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से आयनाइजेशन पोटेंशियल का कंपैरिजन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंपैरिजन से सवाल पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरिजन से सवाल पूछे जाते हैं। फिर मेटालिक कैरेक्टर, तीन चार एलिमेंट देगा बोलेगा मेटालिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर जो है वह केमिकल बॉन्ड, ठीक है, रासायनिक अवबंधन। इस चैप्टर से जिन टॉपिक सवाल पूछे जाते हैं वो है कि कोई भी आपको कंपाउंड दे देगा उसका स्ट्रक्चर पूछ लेगा, उसका शेप पूछ लेगा, ठीक है, उसमें बॉन्ड पूछ लेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हाइब्रिडाइजेशन से सवाल पूछे जाते हैं, लैटिस एनर्जी से सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद फैक्टर अफेक्ट क्या करता है लैटिस एनर्जी को से सवाल पूछे जाते हैं। सॉल्युबिलिटी से सवाल पूछे जाते हैं, फैजान फ्लो से सवाल पूछे जाते हैं। फिर थर्मल स्टेबिलिटी से सवाल पूछे जाते हैं, लेविस कंसेप्ट से सवाल पूछे जाते हैं, वीबीटी से सवाल पूछे जाते हैं, बैक बॉन्डिंग से सवाल पूछे जाते हैं, एमओटी से सवाल पूछे जाते हैं, डायपोल मूवमेंट से सवाल पूछे जाते हैं,
और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद जो चैप्टर आपको करना है रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन से भी बीसीसी में काफी सवाल आया होता है, आप प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे सबको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या बोलते हैं, अपोच्य प्रचाय अभिक्रिया। इस चैप्टर से भी आपको जो सवाल होते हैं कि आपसे एसिडिक मीडियम में रिएक्शन बैलेंस पूछ लेगा, ठीक है, अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन बैलेंस पूछ लेगा, तो इन टॉपिक्स को आपको नॉलेज होना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए चैप्टर से। अगला चैप्टर जिस जो आपको करना है वो है पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 13-14 के बारे में बात करिए, क्लास 11 में यही है। तो ग्रुप 13 और 14 दोनों से आपको जिन टॉपिक को पढ़ना है वो है केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी इन फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद रिएक्शंस की जो कंपाउंड्स हैं उनकी प्रिपरेशन कैसे होती है, तो रिएक्शन की प्रिपरेशन के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद में बोरिक एसिड कैसे बनता है, B2H6 कैसे बनता है, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, N2O4 O7 कैसे बनता है, उसके बारे में NCERT में दी है, तो इन कंपाउंड्स के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आ जाते हैं S ब्लॉक।